हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं लिनक्स बूट प्रोसेस ट्रबल शूटिंग। लिनक्स बूट प्रोसेस ट्रबल शूटिंग मीन्स जब लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हम ऑन करते हैं तो उसको ऑन करने के बाद जो बूटिंग प्रोसेस रन होता है, तो उस बूटिंग प्रोसेस में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे ट्रबल शूट करना है। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ टारगेट्स होते हैं, डिफ़ॉल्ट टारगेट्स होते हैं। जो हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो वो डिफ़ॉल्ट टारगेट को एक्टिव कर देता है और उसी मोड में आपके और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट कर देता है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रेस्क्यू में या इमरजेंसी मोड में स्टार्ट होता है तो दैट मीन देर इज़ प्रॉब्लम इन द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, उसमें आप प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में हम जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कैसे करेंगे, उसको ठीक कैसे करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक बटन दबा दें। आज का प्रैक्टिकल है हमारा लिनक्स बूट प्रोसेस ट्रबल शूटिंग। ठीक है, तो बूट प्रोसेस का तो हम डिस्कस बाद में करेंगे कि लिनक्स के जो 8 to 9 बूटिंग प्रोसेस स्टेप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका जैसे ही सिस्टम ऑन करते हैं तो पोस्ट होता है, देन बायोस होता है, देन आपका डेटाबेस लोड होता है, डेटाबेस के बाद आपका ग्रब फाइल होता है, ग्रब फाइल के बाद आपका सिस्टम डी इनिट रैम एफ एस, और फिर आपका ग्राफ, आपका जो टारगेट्स होते हैं, फिर ड्राइवर्स वगैरह जो होते हैं, फिर आपका सर्विसेज लोड होती हैं। तो दिस इज़ द बूटिंग प्रोसेस ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वो हम लेटर डिस्कस करेंगे। अभी है कि अगर बूटिंग प्रोसेस में आपका कोई प्रॉब्लम है, कोई फॉल्ट है, आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सक्सेसफुली बूट नहीं हो पा रहा है, तो उसको हम कैसे ठीक करेंगे या रिपेयर करेंगे। राइट, तो लेट्स सी। फर्स्ट चेक द डिफॉल्ट टारगेट। तो सिस्टम डी गेट डिफॉल्ट, नॉट सिस्टम डी, सिस्टम सीटीएल। तो अभी हमारा यहाँ ग्राफिकल डॉट टारगेट रनिंग पे है। ठीक है, तो मोस्टली इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सक्सेसफुली रन क्यों नहीं कर पाता है। ठीक है, और उसको ट्रबल शूट करने के लिए हम इसको इमरजेंसी या फिर रेस्क्यू मोड में हमें इसको ऑन करना पड़ता है। तो अभी ये ग्राफिकल मोड में है तो हम एक इसमें फेक एंट्री कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम रेस्क्यू या इमरजेंसी मोड में चला जाएगा। तो हमारी बूटिंग फाइल जो होती है ग्रब फाइल होती है, ग्रब टू फाइल होती है जो हमारी बूटिंग फाइल होती है। और हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जब लोड होता है तो ETC के अंदर एक FS टैब नाम से फाइल होती है जिसको रीड आउट करता है वो। तो आप चेक कर सकते हैं कैट स्पेस /etc/fstab। तो हमारी ये फाइल होती है जिसके अंदर हमारे पार्टीशन वगैरह की एंट्री होती है, आप चेक कर सकते हैं। तो जितने भी पार्टीशन है हमारे यहाँ पे है, और जिसमें बूट पार्टीशन है, स्वैप पार्टीशन है और रूट पार्टीशन है। राइट, तो जब भी हमारा सिस्टम ऑन होता है तो सबसे पहले इस फाइल को ही रीड करता है। देखिए, राइट, इसमें हम एक फेक एंट्री कर देते हैं कोई भी। इसके अंदर आप जो भी स्टोरेज या कुछ एक्स्ट्रा ऐड कराते हैं तो वो अगर आपका ये फाइल फाइंड आउट नहीं कर पाती है तो आपका सिस्टम रेस्क्यू या किसी दूसरे मोड में चला जाता है। तो आप चेक कर सकते हैं देव SDA6, कोई भी एक फेक एंट्री कर देते हैं।
एमएम में माउंट हो ये, और फाइल सिस्टम हमारा क्या है यहाँ पे, EXT4। देन रिबूट द सिस्टम। तो हमने fsta फाइल में एक फेक एंट्री की है, देखिए जो हमारा सिस्टम, जो हमने एक फेक एंट्री की थी, वो फेक एक्चुअली इसलिए की थी कि हमारा जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें स्टोरेज माउंट होता है, सैन भी माउंट होता है, या फिर एसक्यूएल वगैरह भी माउंट होते हैं। तो सिस्टम जब रिबूट होता है तो रिबूट होते टाइम वो उसकी नेटवर्क और ये सर्विसेज एक्टिवेट नहीं हो पाती प्रॉपर तरीके से, तो वो उसको रीड नहीं कर पाता जो हमारा स्टोरेज होता है। देन इट विल शो द दिस टाइप ऑफ एरर, राइट? तो ये मेंटेनेंस मोड पे चला गया, गिव रूट पासवर्ड फॉर मेंटेनेंस, राइट? यू कैन चेक हियर, देन रूट पासवर्ड, तो अब ये मेंटेनेंस मोड में है हमारा। तो अब यहाँ पे आपको इसमें ट्रबल शूटिंग करना है, तो आप इमरजेंसी मोड है ये, एक्चुअल एक्चुअल में ये इमरजेंसी मोड है, यू कैन रीड आउट हियर। तो आप इसमें रीड कर सकते हैं, फर्स्ट लाइन से देखिए, वेलकम टू इमरजेंसी मोड, राइट? तो इसमें हमें रिपेयरिंग करनी है अब, कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बूट नहीं हो पा रहा है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो हमारी fsta फाइल है उसके अंदर जो एंट्री हमने कर रखी है, जो एक्स्ट्रा एंट्री कर रखी है, वो हमें पहले तो चेक करना है कि उसमें एक्स्ट्रा एंट्री है या नहीं है। गॉट इट? तो अगर आपकी वहाँ पे एक्स्ट्रा एंट्री है, देन व्हाट हैपेंड? तो उसके लिए आपको उनको रिपेयर करना होगा, उनको हटाना होगा, या फिर उन पे ऐसा आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है कि वो आपकी, जब आपका सिस्टम ऑन होएगा तो वो फाइल, वो एंट्री रीड नहीं होनी चाहिए, राइट? तो आप चेक कर सकते हैं, कैट etc fstab। कि जब भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो fstab फाइल को फर्स्ट रीड करता है। तो लेट्स सी हियर, यहाँ पे तीन बाय डिफ़ॉल्ट पार्टीशन बने हुए हैं, पहला तो रूट है, फिर बूट है, फिर स्वैप है। तो एक और एंट्री है इसके अंदर जो हमने अभी भी की थी, देव sds6। देव sds6 ये फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है, राइट? तो इस एंट्री की वजह से हमारा जो इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, क्योंकि ये फाइल प्रॉपर तरीके से रीड नहीं हो पा रही, इसमें इस एंट्री में प्रॉब्लम है, ये इसको वे, इसको पाथ नहीं मिल पा रहा इसका, राइट? तो आपको या तो इस एंट्री को डिलीट करना है, राइट? अगर कोई भी ऐसे एक्स्ट्रा एंट्री आपने fsta में कॉन्फ़िगर कर रखी है, तो आपको वो एंट्री या तो हटा देनी है उस टाइम के लिए। अब आप हटा देंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि सेम एंट्री फिर बाद में भी आपको डालनी होगी,
ठीक है, तो आप उनको हटाने के बजाय हमारे पास एक और ऑप्शन है, वी आई फॉरवर्ड स्लैश ई टी सी फॉरवर्ड स्लैश एफ एस टैब, आई प्रेस कीजिए फॉर इंसर्टिंग। जो ये एक्स्ट्रा एंट्री होती है, आप इससे पहले हैश लगा दें, क्या कर दें, हैश लगा दें यहाँ पे। हैश का लिनक्स में अगर किसी भी फाइल में, किसी भी स्क्रिप्ट फाइल के अंदर अगर किसी भी लाइन से पहले आपने हैश यूज़ कर रखा है, तो इट जस्ट लाइक ए कमेंट, फिर आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है इस हैज़ वाली लाइन को एज ए कमेंट रीड करता है, इस फाइल को रीड नहीं करता, वो इस फाइल को छोड़, इस फाइल को एस्केप कर देता है, नेक्स्ट इस एंट्री को स्केप कर देगा, इस लाइन को स्केप कर देगा। हैज़ का मतलब लिनक्स के अंदर है एक कमेंट। देखें आप इस फाइल में भी देख सकते हैं, जितने ऊपर हैज़ के ऑप्शन हैं, इन सिर्फ इन तीन एंट्री पे हैज़ नहीं है, क्योंकि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इन तीनों एंट्री को ही रीड करेगा, तीनों पार्टीशन की एंट्री को रीड करेगा, बाकी हर लाइन पे हैज लगा हुआ है, राइट। तो हैज का मतलब है इट जस्ट लाइक ए कमेंट, नॉट ए प्रॉपर वे। ठीक है, आप हैज लगा दें, और जैसे ही आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन होता है, तो आप हैज को रिमूव कर दें, फिर आपकी प्रॉपर वो जो भी आपने एंट्री की है उनको रीड कर लेगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब आप इसको सेव कर दीजिए, कॉलन एस्केप डब्ल्यू क्यू, देन रिबूट। ठीक है, तो एक तो हमारा ये ट्रबल शूटिंग है, इसमें आपने एफ एस टाइप फाइल में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी एक्स्ट्रा एंट्री अगर हमने कर रखी है फॉर एस क्यू एल, फॉर डेटाबेस, फॉर स्टोरेज, एनीथिंग एल्स, तो आप उनके उस एफ एस टाइप फाइल में जाके आप उस एक्स्ट्रा एंट्री के से पहले हैज़ यूज़ करें, राइट। और जैसे ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन होता है, तो उस हैज़ को रिमूव कर दें, क्लियर। देखिए अब हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉपर ऑन हो गया है। ठीक है, तो जब भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन करते हैं, तो एफ एस टाइप फाइल आपकी रीड होती है, क्योंकि आपके रूट बूट स्वैप पार्टीशन वहीं पे बने होते हैं, और उन्हीं से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एक्टिव होता है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम उन्हीं से ऑन होता है। तो जब वो फाइल ही नहीं रीड कर पा रहा है प्रॉपर तरीके से, तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन ही नहीं होएगा। तो आपको वहाँ एक्स्ट्रा एंट्री पे क्या करना हैज़ पुट कर देना है, या फिर उनको रिमूव कर देना। रिमूव करना तो थोड़ा टफ रहेगा, क्योंकि बाद में हमें एंट्री करनी होगी, तो आप उनसे उनके सामने हैज़ लगा दें। तो एक तो हमारा ये रिपेयर करने का फर्स्ट तरीका है, अगर आपका बूटिंग प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम आती है, तो फर्स्ट यू नीड टू चेक द एफ एस टेप फाइल। ओके, और जैसे ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन होता है, देन अगेन गो टू द एफ एस टी फाइल, तो आप उस एंट्री को दोबारा से एक्टिव कर ले, या आप हैश का सिंबल हटा दें यहाँ से। ठीक है, इट्स डन। तो ये एंट्री दोबारा से रीड हो जाएगी, राइट। या फिर आप ये एंट्री हटा के MOUNT माउंट स्पेस हाइफन ए कर दें, तो फिर आपकी वो फाइल दोबारा से, जो भी आपने एक्स्ट्रा एंट्री की है FSTF फाइल में, वो प्रॉपर तरीके से काम करना स्टार्ट कर देगी। ओके, ये तो था फर्स्ट तरीका। सेकंड है, अगर आपका सिस्टम परमानेंटली इमरजेंसी मोड में चल रहा है, ठीक है, और आप उसको ऑन कर ही नहीं पा रहे हैं, कोई भी इशू हो सकता है, या आपने ही खुद मोड चेंज कर दिया है। फॉर एग्जांपल देखें, सिस्टम CTL सेट हाइफन डिफॉल्ट, दीज आर द टारगेट्स, ये सारे टारगेट हैं जो हमें यहाँ पे सेट करने हैं,
राइट। तो आप कोई भी इनमें से एक टारगेट सेट कर सकते हैं, रन लेवल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, दीज आर ऑल्सो टू द टारगेट, ये देखिए ठीक है। तो यहाँ पे हम इमरजेंसी यूज़ कर लेते हैं, इमरजेंसी डॉट टारगेट है राइट। तो एंटर, अब हमारा इमरजेंसी टारगेट इसमें सेट हो चुका है। आप इसको रिबूट करें, अब देखिए हमारा सिस्टम, जब भी आप अपने सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑन करेंगे तो ये इमरजेंसी में ही ऑन होएगा राइट। सो देर इज नो वे टू चेंज द दिस टारगेट। तो आपका वेलकम टू इमरजेंसी मोड। आप मेंटेनेंस के लिए क्या कर सकते हैं, पासवर्ड डालिए, ठीक है। लेकिन एक और यहाँ डिसएडवांटेज है कि आप यहाँ टारगेट चेंज नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, यहाँ पे टारगेट चेंज नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ टारगेट चेंज भी करता हूँ तो भी हमारा इमरजेंसी में ही स्टार्ट होएगा। फॉर एग्जांपल सिस्टम डी, सिस्टम सी टी एल, सेट हाइफन डिफॉल्ट टारगेट, ग्राफिकल डॉट टारगेट, एंटर। तो क्या बोल रहा है, फाइल टू इशू, फेल टू इशू मेथड, फाइल एग्जिस्ट। तो आपका फाइल तो है हमारी, लेकिन इसमें क्या कर रहा है, उसको सेट नहीं कर पा रहा ये। तो आप इमरजेंसी मोड में कोई इसका टारगेट भी चेंज नहीं कर सकते, क्लियर। तो कैसे इसको सेट करेंगे और कैसे आप इस टारगेट को चेंज कर सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है राइट। तो अब हम इसका अगर टारगेट चेंज करना चाहें तो कैसे चेंज करेंगे, तो इट्स वेरी टफ गेम। अगर आपका बार बार सिस्टम इसी में चल रहा है, इमरजेंसी में ही चल रहा है, आपकी FSTF फाइल भी सही है, फिर भी आपका इमरजेंसी मोड में बार बार स्टार्ट हो रखा है, या फिर बाई मिस्टेक आपसे ग्राफिकल या इमरजेंसी टारगेट सेट हो जाता है, तो उसको कैसे हम ठीक करेंगे। रिबूट करें सिस्टम को, तो आप जैसे ही आपका फर्स्ट एंट्री आती है तो इस एंट्री पे आपको ई प्रेस करना है। यहाँ पे आपको एंटर नहीं करना, ई प्रेस करना है। ई प्रेस करने के बाद यहाँ एडिटिंग में आप चले जाएंगे, तो आपको लिनक्स 16 इस लाइन के, इस कॉलम के लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में UTF-8 दिस, यहाँ पे आपको एक एंट्री करनी है ठीक है। और वो एंट्री क्या करनी है, सिस्टम डी डॉट यूनिट, सिस्टम डी डॉट यूनिट इक्वल टू ग्राफिकल डॉट टारगेट राइट। तो सिस्टम डी डॉट यूनिट इक्वल टू ग्राफिकल, दैट मीन जो भी टारगेट आपको सेट करना है यहाँ पे, जी ग्राफिकल ठीक है ना। तो आपको ये एंट्री यहाँ पे करनी है। इस एंट्री, ये एंट्री करने के बाद क्या होएगा, आपका सिस्टम टेम्परेरी रूप से टेम्परेरी उसमें ग्राफिक मोड में चला जाएगा ठीक है ना। आप चेक कर सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए, हियर सर इससे बात करो, naukri.com से है ये, आपसे बात करना है। सिस्टम डी डॉट यूनिट इक्वल टू टारगेट नेम, क्लियर। तो
आपको ये एंट्री यहाँ पे एज इट इज़ करनी है, जो भी टारगेट आपको सेट करना है, सिस्टम डी डॉट यूनिट इक्वल टू ग्राफिकल डॉट टारगेट, राइट। तो हम सिस्टम को रिबूट कर रहे थे, वो बार बार इमरजेंसी में जा रहा था, या रेस्क्यू में भी जा सकता है या किसी और टारगेट में जा सकता है। अगर आपको बूटिंग प्रोसेस पे ही इसका टारगेट चेंज करना है तो दिस इज द प्रोसेस। नाउ कंट्रोल एक्स, जैसे आप कंट्रोल एक्स करेंगे आपका सिस्टम टेम्परेरी ग्राफिकल मोड में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इसका ओरिजिनल रहेगा इमरजेंसी ही, बट जैसे ही हमारा सिस्टम ऑन होएगा ग्राफिकल में तो आप इसका टारगेट चेंज कर सकते हैं। ओके तो आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं हमारा सिस्टम ग्राफिक मोड में स्टार्ट हो चुका है। नाउ अगेन चेंज द टारगेट, सिस्टम सीटीएल गेट हाइफन टारगेट, गेट हाइफन डिफॉल्ट, नाउ इट इज इन इमरजेंसी। तो आप यहां चेंज कर दीजिए, सिस्टम सीटीएल सेट हाइफन डिफॉल्ट ग्राफिकल, एंटर, राइट। नाउ यू कैन चेक ग्राफिकल। सो दिस इज द प्रोसेस टू ट्रबल शूट द बूटिंग सिचुएशंस एंड बूटिंग प्रॉब्लम्स, राइट। सो अनदर वे how to break the password on booting time, right? So booting password break का हमने practical पहले ही एक video बना के हमने इस पर load कर रखा है, तो अगर आपको वो password break का भी check करना है तो आप वो video देख सकते हैं। So this is the process to troubleshoot the Linux operating system in the booting time, right? So thanks for watching, please subscribe the channel.